हेलो एवरीवन, भारत के आर्थिक विकास के लिए 78 लाख नौकरियों का सृजन करना जरूरी है, अन्यथा की स्थिति में भारत विकसित राष्ट्र के संकल्प को पूरा नहीं कर पाएगा। ऐसा ही कुछ यहां पर आज के आर्थिक सर्वेक्षण में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा कहा गया। साथ ही इस आर्थिक सर्वेक्षण में कई अहम पहलुओं के बारे में भी चर्चा की गई, जिसमें कृषि के क्षेत्रों, सब्सिडी, महंगाई, इसके साथ साथ निर्यात और विकसित राष्ट्र के संकल्प में चीन और अमेरिका की इकोनॉमी के मुकाबले भारतीय अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने जैसे कई अहम बिंदुओं को लेकर के यहाँ पर एक डेटा संकलन का यहाँ पे के माध्यम से चर्चा की गई है। आज हम यहाँ पे आर्थिक सर्वेक्षण के कुछ इन्हीं पहलुओं को एक एक करके डिस्कस करेंगे, क्या रहे हैं प्रमुख बिंदु और बजट से पहले यहाँ पे इकोनॉमी सर्वे क्यों प्रस्तुत किया जाता है, इकोनॉमी सर्वे की क्या इंपॉर्टेंस है, इससे संबंधित सभी पहलुओं को एक एक करके समझते हैं। देखिए, यहाँ पे इकोनॉमिक सर्वे में जो सबसे एक महत्वपूर्ण देखिए यहाँ पे बात है कि जीडीपी ग्रोथ, जॉब, एग्रीकल्चर और इंपोर्ट एक्सपोर्ट जैसे कई सारे पहलुओं को लेकर के यहाँ पे जो चर्चा की गई, जो डेटा यहाँ पे प्रस्तुत किया गया। सबसे पहले जो जीडीपी यहाँ पर देखा, जीडीपी को करीब 7% रहने का एक अनुमान इसमें जताया गया है, लेकिन ये जीडीपी ग्रोथ जो है 7% तभी रह सकती है जब भारत सरकार हर साल कितनी, करीब 78.5 लाख नौकरियों का सृजन करेगा, अन्यथा की स्थिति में भारत साथ जो विकसित राष्ट्र का एक संकल्प देखा जा रहा है 2047 में, उसे अचीव नहीं कर पाएगा। दूसरी तरफ यहाँ पे देखिए, वित्त मंत्रालय का जो आर्थिक मामलों का जो विभाग होता है वो हमेशा एक आर्थिक सर्वेक्षण और को प्रस्तुत करता है, जो कल यहाँ पे बजट प्रस्तुत होगा उससे एक दिन पहले हमेशा देखा जाए तो आपको आर्थिक सर्वेक्षण प्रस्तुत करते हैं। इस बार आर्थिक सर्वेक्षण जो है मानसून सत्र में प्रस्तुत किया जा रहा है, बजट प्रस्तुत किया जा रहा है। इसका कारण क्यों है, क्योंकि नई सरकार का गठन हुआ है, चुनाव होने वाले थे, चुनाव से पहले हमने देखा था एक अंतरिम बजट यहाँ पे प्रस्तुत किया गया था, और हर साल यानी कि नेक्स्ट ईयर अगर हम देखेंगे तो इकोनॉमी सर्वे जो बजट होगा वो आपको जनवरी फरवरी में यहाँ पर आपको आ जाएगा। अब यहाँ पर देखें, संसद के दोनों ही पटन पर आपको इकोनॉमी सर्वे आज प्रस्तुत की गई, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा इसे प्रस्तुत किया गया है। इकोनॉमी सर्वे होता क्या है, तो करीब 12 महीनों का एक लेखा जोखा कि भारतीय अर्थव्यवस्था में जो डेवलपमेंट रही है, जो ग्रोथ रही है, वो कैसी यहाँ पर रही है। अब इकोनॉमी सर्वे किन किन क्षेत्रों में क्या क्या बातें कहता है वो हम यहाँ पर एक एक करके समझ लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे देखिए, जो ग्लोबल एनर्जी प्राइस इंडेक्स की यहाँ पर बात की गई है, जिसमें कहा गया है कि जो फाइनेंशियल ईयर जो रहा है 2024, उसमें यहाँ पर देखा जाए तो आपको एक गिरावट देखने को मिली है। और इसके संदर्भ में देखा जाए जो एलपीजी रहा है, आप पेट्रोल रहे हैं, डीजल की कीमतों में यहाँ पे कटौती की गई है इसी के कारण, और इससे क्या हुआ कि रिटेल की जो ईंधन महंगाई दर रही है वो यहाँ पर नीचे बनी हुई है, क्योंकि देखा जाए जो निर्यात होता है और इसके अलावा जो आपको तटों से लेकर के शहरों तक सामान को पहुंचाया जाता है उसमें पेट्रोल, डीजल, एलपीजी इत्यादि का खर्च होता है और उसके कारण चीज़ें और महंगी हो जाती हैं, लेकिन ग्लोबल एनर्जी प्राइस इंडेक्स नीचे होने के कारण, इन चीज़ों को सस्ता किए जाने के कारण, जो ईंधन के आपको कारण महंगाई बढ़ती है वहाँ पर गिरावट की एक बात इसमें की गई है। इसके अलावा अगर हम देखें कुछ और चीज़ों को लेकर के इस बजट में, सॉरी यहाँ पर इकोनॉमी सर्वे में जो बातें कही गई हैं कि अगस्त 2023 में अगर हम देखें एलपीजी कीमतों में करीब 200 रुपये प्रति सिलेंडर की एक कटौती की गई, वहीं मार्च 2024 में हम देखें तो पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 2 रुपये प्रति लीटर की यहां पे कटौती की गई है। तो ये तो ईंधन महंगाई के संबंधित यहां पे जो डेटा यहां पर बताया गया है। दूसरी तरफ देखें जो एग्रीकल्चर सेक्टर भारत के हमेशा का अर्थव्यवस्था की रीढ़ रहती है एग्रीकल्चर, उसमें अगर हम देखें एग्रीकल्चर सेक्टर में जो समस्या रहती है, एक खराब मौसम, बहुत ज़्यादा या तो वो सूखा पड़ जाता है, बारिश होती नहीं है, जब बारिश होती है तो इतना ज़्यादा हो जाती है तो यहाँ पर आपको समस्या होती है। तो खराब मौसम, घटते जलाशय, फसलों के नुकसान के यहाँ पे कुछ प्रमुख कारण रहे हैं जो इकोनॉमी सर्वे में बताया गया है, जो यहाँ पे चुनौतियाँ लगातार आपको एग्रीकल्चर सेक्टर में बनी हुई हैं। और इसके कारण होता क्या है, इम्पैक्ट क्या पड़ रहा है, इसका असर क्या है, जो कृषि उत्पादन यहाँ पर है और खाद की जो कीमतें हैं उस पर पड़ता है। कृषि उत्पादन आपको घटता है और जब कोई उत्पादन यहाँ पे घटेगा, माल की जो सप्लाई होगी यहाँ पर आपको किसी चीज़ की बाजार में यहाँ पर कमी हो जाएगी, तो वहाँ पर मांग बढ़ने लगती है और उसके कारण चीज़ें महंगे हो जाती हैं। इससे वित्त वर्ष में देखें 2024 में खाद्य महंगाई जो थी वो 7.5% बढ़कर होकर 7.5% हो गई, 2023 में देखा जाए तो ये 6.6% थी। जो कह सकते हैं जो फूड इन्फ्लेशन देखने को मिला है उसका एक कारण यहाँ पे एग्रीकल्चर सेक्टर की समस्या रही है, जो खराब मौसम इत्यादि बड़ा कारण इसमें बताया गया है। इसके अलावा सरकार की तरफ से जो योजनाएं कुछ चलाई जा रही हैं उसको लेकर के पीएम सूर्य घर योजना एक बड़ा यहां पर सेगमेंट देखने को मिला है, इसको लेकर के यहां पे इकोनॉमी सर्वे में इस पर चर्चा की गई।
पीएम सूर्य घर योजना से 30 गीगावाट सौर कैपेसिटी जुड़ने की यहां पर उम्मीद जताई गई है। और इस पहल का जो उद्देश्य है कि जो सोलर वैल्यू है इसमें करीब 17 लाख नौकरियों का इसके माध्यम से सृजन करना है। पीएम सूर्य घर योजना इस साल फरवरी में 75,021 करोड़ रुपए की लागत के साथ यहां पर इसे शुरू किया गया। इंडियन इकोनॉमी को बढ़ती वर्कफोर्स की भी जरूरत होगी और उसे पूरा करने के लिए नॉन फॉर्म सेक्टर में 2030 तक सालाना औसत से 78.5 लाख नौकरियों को सृजन करना होगा। यानी कि भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास के लिए सबसे एक जरूरी जो पहलू है वो है जॉब, जॉब को क्रिएट करना। और खासकर यहाँ पर परफॉर्मिंग सेक्टर के साथ साथ कई अन्य सेक्टर में नॉन फॉर्म सेक्टर्स में भी आपको जॉब क्रिएट करनी होगी। वो 78.5 लाख यहाँ पर देखा जाए तो आपको जॉब सृजन की बात की गई है। एक बड़ी यहाँ पर नंबर में आपको जॉब क्रिएट करनी पड़ेगी। वर्तमान समय में देखा जाए सबसे बड़ी एक समस्या रही है भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास के साथ नौकरियों का सृजन उस गति से नहीं हुआ है जितना होना चाहिए। और इसको लेकर के लगातार यहाँ पे सवाल उठाए जा रहे हैं सरकार की नीतियों को भी कि आप यहाँ पे भारत के आर्थिक विकास का जो लाभ है वो यहाँ पे लोगों को नहीं मिल रहा है, जॉब जो क्रिएटिव होना चाहिए वो नहीं हो पा रही है और उससे समस्याएं लगातार आपको देखा जाए तो बढ़ रही है। इसके अलावा अगर हम देखें इंडियन इकोनॉमी की बढ़ते वर्कफोर्स के जो हमने यहाँ पर बात की करीब 78.5 लाख की नौकरियाँ चाहिए होंगी। साथ ही सर्वे में एक बात और यहाँ पे बताई गई है कि 65% आबादी जो है 35 वर्ष से कम है, फिर भी कई लोगों के पास आवश्यक यहाँ पे स्किल्स का अभाव है। अभी भी केवल देखा जाए 51.25% युवा ही यहाँ पर रोजगार योग्य है, जो कि एक समस्या है। यानी कि लोगों में स्किल्ड बेस्ड जो चीज़ें होनी चाहिए, जो हर एक सेक्टर में जो स्किल्ड लोगों की यहाँ पर जरूरत है वो यहाँ पर पूरा नहीं कर रहे हैं। इसके अलावा रिटेल के क्षेत्र को लेकर के जो यहाँ पे बातें कही गई हैं कि रिटेल इन्वेस्टर्स के फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडिंग में बढ़ते पार्टिसिपेशन से लेकर इकोनॉमिक सर्वे में कहा गया है कि इस तरह की स्पेकुलेटिव ट्रेडिंग का भारत जैसे विकासशील देशों में कोई स्थान यहाँ पे नहीं है। यानी कि संभावना के आधार पे आप ये कहें कि कल ये हो जाएगा ऐसा होगा, उस आधार पे आप निवेश कर रहे हैं तो ये समस्या है। इससे यहाँ पे लोगों को भी यहाँ पे प्रॉब्लम हो सकती है, इकोनॉमी यहाँ पे एक बबल क्रिएट हो सकता है जो अचानक से फूटने से इकोनॉमी जो है या जो शेयर बाजार जो लगातार ऊपर जा रहा है उसमें यहाँ पे आपको समस्या हो सकती है। तो ये इसको लेकर कहा गया कि भारत में इस तरह के यहाँ पे रिटेल इन्वेस्टर्स की यहाँ पे जरूरत नहीं है या इस तरह के इन्वेस्टमेंट यहाँ पे जरूरत नहीं है, स्पेकुलेटिव ट्रेडिंग जो है वो भारत में यहाँ पर उसका स्थान नहीं है। इसमें यह भी कहा गया कि पूरी इकोनॉमी के लिए हानिकारक हो सकता है। साथ ही जो आपका वित्त वर्ष 2026 तक राजकोषीय जो घाटा है उस पर भी यहाँ पर इकोनॉमी सर्वे में कहा गया कि जीडीपी का 4.5 या उससे कम होने की उम्मीद यहाँ पर जताई गई है। तो ये सारी चीज़ें देखा गया इकोनॉमी सर्वे में, इसको एक एक करके यहाँ पर डिस्कस किया गया है। दूसरी तरफ यहाँ पर देखें वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा फरवरी में अंतरिम बजट यहाँ पे भी पेश किया गया था। वहीं वित्त वर्ष 2024-25 में राजकोषीय घाटा को 0.7% से होकर कम होकर 5.1% यहाँ पे रहने का एक अनुमान लगाया गया था अंतरिम बजट में। अब बात करें कि वित्त वर्ष 2024-25 की, तो इसमें भारत की यहाँ पे जो जीडीपी ग्रोथ का अनुमान है 6.5 से 7% तक बताया गया, ठीक है। वहीं इसमें यह भी बताया गया था कि वित्त वर्ष 2024 में भारत की जो रियल जीडीपी होगी वो करीब यहाँ पे 8.2% की दर से यहाँ पर आगे बढ़ने वाली है और ये लगातार तीसरा साल होगा जब जीडीपी की ग्रोथ जो है वो 7% से यहाँ पर आपको ज्यादा दर्ज की गई है। तो ये लगातार भारतीय अर्थव्यवस्था की ग्रोथ की एक परिचायक है जो कि डेटा में आप लगातार देख सकते हैं, जो आपका अप्रैल जून जुलाई सितंबर अक्टूबर दिसंबर और जनवरी से मार्च के बीच के यहाँ पर जो ग्रोथ आपको दिखाई गई है वो लगातार 7.8, 7.6, 8.4, 7.8 लगातार आपको, यानी कि 7.5 से 8.5 के बीच आपकी जीडीपी की ग्रोथ यहाँ पर लगातार दिखाई गई है। अब बात करें इकोनॉमी सर्वे के बारे में, ये तो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट डेटा हैं जो कि इस इकोनॉमी सर्वे में यहाँ पे चर्चा की गई। इकोनॉमी सर्वे देखिए होता क्या है, इसे दो वॉल्यूम में यहाँ पे प्रस्तुत किया जाता है हमेशा। इकोनॉमी सर्वे का जो वॉल्यूम वन होता है इसमें वैचारिक और विश्लेषणात्मक मुद्दों से जुड़ा होता है जिसमें अलग अलग टॉपिक्स से संबंधित यहाँ पे चर्चा होती है। वहीं जो इकोनॉमिक सर्वे का वॉल्यूम टू होता है ये हमेशा डेटा बेस्ड होता है जिसमें भारत की इकोनॉमी की स्थिति से जुड़ा होता है। इकोनॉमिक सर्वे आने वाले समय भारत के लिए बजट की प्रायोरिटीज की जानकारी होनी है कि भारत देखिए कि बजट जो आने वाला है वो कैसा दिख सकता है, किस सेक्टर में यहाँ पर क्या ग्रोथ है, कहाँ समस्या हो रही है, उसको ध्यान में रखकर, यानी इकोनॉमिक सर्वे में जो डेटा रहता है उस डेटा को ध्यान में रखकर ही बजट यहाँ पर तैयार किया जाता है। डेवलपमेंट रिव्यू के साथ उन सेक्टर्स को भी हाईलाइट करता है जिन पर यहाँ पर आपको ज्यादा जोर देना होता है। इसी तरीके से सर्वे क्या होता है, सर्वे में और कई सारी तरीके की जानकारी होती है, जैसे कि सर्वे में हमेशा
आसपास हो रहे कई इश्यूज का एनालिसिस रहता है, उनके कारण बताए जाते हैं, जैसे कि वर्तमान घटनाक्रम में क्या हो रहा है, कोई जीडीपी में क्या किसी सेक्टर में किसी तरह की ग्रोथ है तो उसका कारण क्या है, किसी सेक्टर में देखा जाए तो अगर आपको गिरावट देखने को मिले तो उसका कारण क्या है, इन सारी चीज़ों पर चर्चा होती है। इकोनॉमी सर्वे जो है हमेशा चीफ इकोनॉमिस्ट एडवाइजर यानी कि CEA के गाइडेंस में यहाँ पे तैयार किया जाता है। इसको तैयार करने की जो प्रथा है देखा जाए तो 1950-51 से 1964 तक बजट के साथ ही इकोनॉमी सर्वे पेश किया जाता था, लेकिन अब ये बजट से एक दिन पहले ही यहाँ पर आपको पेश कर दिया जाता है। वित्त वर्ष 2024-25 में अगर रिटेल महंगाई को देखें तो आपको अप्रैल मई जून का ये डेवलपमेंट देख सकते हैं 4.83, 4.75, 5.08, तो लगातार जो रिटेल महंगाई है वो यहाँ पर आपको बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। अब बात करें इकोनॉमी सर्वे क्या है, तो जैसा हमने कहा कि इकोनॉमी सर्वे क्या है, देश का एक मिडिल क्लास लोगों की तादाद बहुत ज़्यादा है, हर घर में देखा जाए तो हर लोगों के पास एक डायरी है, उस डायरी में आप क्या करते हैं, एक हिसाब किताब यहाँ पर लगाते हैं कि महीने में कितना खर्चा करना है, किस क्षेत्र में क्या लेना है क्या देना है, और साल खत्म होने के बाद जो हम देखते हैं कि पता चलता है कि साल कैसा रहा, मेरी इनकम कितनी रही, यहाँ पे कहाँ कितना मैंने खर्च किया है, कितना मैंने कमाया था, और इसके आधार पर फिर हम तय करते हैं कि आने वाले साल में मुझे क्या करना है, फिर आप गोल सेट करते हैं कि देखिए मुझे नेक्स्ट ईयर में कार लेना है, घर लेनी है, या मुझे ये अचीव करना है वो करना है, तो यहाँ पर अपनी बचत के हिसाब से, अपने हालात के हिसाब से, अपनी इनकम के हिसाब से और अपने खर्च के हिसाब से आप एक चीज़ों का बजट तैयार करते हैं। एक सर्वे आपने इस साल का कर लिया और उस सर्वे के आधार पर नेक्स्ट ईयर का आप प्लान यहाँ पे करते हैं, तो कुछ ऐसा ही होता है इकोनॉमिक सर्वे, यानी इस साल क्या घटनाक्रम रही, क्या क्या हुआ, कहाँ क्या खर्च किया, कैसे यहाँ पे हुआ है, उसी के बेस हमारे यहाँ पर नेक्स्ट ईयर के प्लान को तैयार करना, जो कि एक बजट पर्पज होता है। तो इस तरीके से जो घर की डायरी आप यहाँ पर बनाते हैं, ठीक वैसा ही होता है देश की अर्थव्यवस्था का एक इकोनॉमी सर्वे होता है, और इसमें हिसाब किताब आने वाले संदर्भ में क्या समस्या रही हैं, किस तरीके के हम सुझाव दे सकते हैं, क्या बेहतर कर सकते हैं, क्या चुनौतियां रही हैं, उन सारी चीज़ों के बारे में यहाँ पे चर्चा की गई होती है। इकोनॉमी सर्वे को बजट के हमेशा एक दिन पहले ही प्रस्तुत करते हैं। एक क्वेश्चन और आता है कि इकोनॉमी सर्वे को तैयार कौन करता है, तो देखिए इकोनॉमी सर्वे को हमेशा वित्त मंत्रालय के अंडर एक डिपार्टमेंट होता है और उसका एक इकोनॉमिक अफेयर्स, इसके अंडर देखा जाए तो एक इकोनॉमिक डिवीजन होता है। इस इकोनॉमिक डिवीजन के जो चीफ होते हैं, चीफ इकोनॉमिस्ट एडवाइजर यानी कि CEA के देखरेख में एक इकोनॉमिक सर्वे यहां पे तैयार किया जाता है, और इस समय जो आपके CEA हैं वो हैं डॉक्टर वी अनंत नागेश्वरन। इस तरीके से इकोनॉमिक सर्वे क्या है, आपको देखा एक तरीके से हमारी अर्थव्यवस्था का ऋण, एक आपका डायरेक्शन कि हमें अपनी अर्थव्यवस्था को कैसे चल रही है और इसमें सुधार के लिए हम क्या कर सकते हैं। तो ये है हमारे इस साल के इकोनॉमी सर्वे के कुछ इंपॉर्टेंट पहलू, इकोनॉमिक सर्वे का यहाँ पर आपका बेसिक नॉलेज, इसके साथ ही बजट और इकोनॉमिक सर्वे से जुड़ी अन्य जो डिटेल होंगी, उस जो चर्चा होंगी टॉपिक वाइज जो होंगी उसके बारे में हम लगातार यहाँ पर आपको बताते रहेंगे। फिलहाल आज के सत्र में इतना ही, थैंक यू सो मच एंड गुड लक।